सेक्स क्या होता है? जी हाँ, एक इंसान इसका भी आनंद उठा सकता है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं स्पिरिचुअल सेक्स एक्सपर्ट नीलेश्वरी। नीलेश्वरी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, ये नया शब्द स्पिरिचुअल सेक्स, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे आप? स्पिरिचुअल सेक्स की व्याख्या शब्दों में रूपांतरित नहीं करी जा सकती, बिकॉज स्पिरिचुअल सेक्स वर्ड इटसेल्फ इज इन द डोमेन ऑफ स्पिरिट, इज इन द डोमेन ऑफ सोल, विच इज इन द डोमेन ऑफ रियलाइजेशन। आप समझा सकते हैं बुद्धि के तौर पे, बट स्पिरिचुअल सेक्स का साक्षात करने के लिए आपको अपने सेल्फ, अपने स्पिरिट में उतरना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल सेक्स तक पहुंचने के लिए पहले हमें सेक्स को समझना पड़ेगा कि सेक्स जो एक क्रिया है उसका मतलब क्या है। सेक्स लिटरली मींस कमिंग टुगेदर, द यूनिसन ऑफ द मेल एंड द फीमेल चार्ज। ये पूरी सृष्टि का निर्माण जो हुआ है वो एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के यूनिसन से हुआ है। अगर हम अपने हिंदू माइथोलॉजी में थोड़ा झांके तो हमें मालूम चलेगा कि लॉर्ड शंकर जी ने जब ये सृष्टि का निर्माण किया तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो हम एक शिवलिंग में देखते हैं, विच इज द कमिंग टुगेदर ऑफ द लिंग एंड द योनि। लिंग एंड योनि यानी कि शिव एंड शक्ति जब यूनिसन वननेस में आते हैं उससे सृष्टि की प्रोक्रिएशन होती है, जिसको डिवाइन सेक्स बोला जाता है। और फिजिकल तौर पे अगर हम उसको देखते हैं तो उसको सेक्स बोला जाता है। तो क्रूड लैंग्वेज में जिसको सेक्स बोला जाता है उसी को सॉफ्ट लैंग्वेज में लव मेकिंग बोला जाता है। इट इज द अनकंडीशनल लव ऑफ शिवा एंड शक्ति, द मेल एंड फीमेल, which has given the manifestation of sex or spiritual sex. अब sex जब हम experience करते हैं एक male and female body में और वो एक institutionalization जब उसका होता है तो वो marriage का नाम या title ले लेता है। आज अगर हम अपनी marriages में झांके और उसका आईना पूरा खोले तो जो दशा है वो बहुत ही पॉजिटिव नहीं नजर आती है। तो उसमें हमें थोड़ा एक इंट्रोस्पेक्शन, एक इंक्वायरी करनी चाहिए कि सच्चाई है क्या। आज हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को देख लीजिए, उसमें वो सैंक्टिटी नहीं है, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो शिद्दत नहीं है जो एक कपल में होनी चाहिए। बहुत तरह के आजकल किस्से हो रहे हैं जिसमें वाइफ को मालूम है कि हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं एंड वाइस वर्सा, एंड इट्स एन एक्सेप्टेबल ट्रूथ विच इज नॉट टॉक्ड अबाउट बिटवीन द कपल। बट मैरिज मीन्स स्टेइंग अंडर वन रूफ, अंडर द लेबल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, and then that integrity, that loyalty, that unconditional love is somewhere missing. तो जब हम couples के साथ काम करते हैं और इस तरह की बातें खुल के आती हैं कि जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत बारी ladies complain करती हैं that my husband is having an extramarital affair. एंड जब हमने डीप काम किया जेंट्स के साथ, मेल्स के साथ, तो मालूम चला कि मर्द जब पराई औरत के पास जाता है और उसके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिजिकल रिलेशनशिप रखता है तो सच्चाई ये है कि मर्द दूसरी औरत के पास सेक्स के लिए नहीं जाता है। तो इसका क्या आधार है, क्या करने जाता है? जब शादी हुई है उसमें एक फ्रेशनेस है, उसमें एक डिवाइन रोमांस, एक रोमांस है, उसमें एक एक्साइटमेंट है।
बट जैसे वो रिश्ता पकने लगता है, उसमें वो सारी फ्रेशनेस, उसमें वो रोमांस, उसमें वो अट्रैक्शन खत्म होके वो एक एक ऑब्लिगेशन सी बन जाती है, जिसमें बच्चों की जिम्मेदारियां, पेरेंट्स की जिम्मेदारियां, घर को संभालने की जिम्मेदारियां, टेक्निकल प्रॉब्लम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतना ओवरटेक कर लेती हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच का जो स्वाभाविक अट्रैक्शन, जो लव होना चाहिए, वो समवेयर डिसिपेट होता जाता है। और मैं जब लेडीज के साथ दिल और रूहानियत से तार जोड़ती हूँ, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि हस्बैंड को मुट्ठी में रख के अपना नहीं बनाया जा सकता। मुट्ठी खोल दीजिए, अगर वो आपका है तो आपके पास वो खिंचा ही चला आएगा। एक सुंदर फूल में प्राकृतिक इतनी अट्रैक्शन, इतनी मैग्नेटिज्म होती है कि सुंदर फूल को बोलना नहीं पड़ता कि आप मेरी तरफ आकर्षित होइए, उसका एग्जिस्टेंस इटसेल्फ ही आकर्षण है। तो नारी डंडे के जोर पे अगर आदमी को, पति को अपना बनाने की कोशिश करेगी तो वो उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकेगी। आजकल बहुत नारियां आदमी को पट्टा पहना के पालतू कुत्ते की तरह अपने पीछे भगाना चाहती हैं और बोलेंगे कि आप ब्लिंकर्स पहन लीजिए और आपको किसी भी सुंदर नारी, मेरे अलावा किसी सुंदर नारी को अप्रिशिएट करने की फ्रीडम मैं नहीं देती हूँ। तो यह तो बिल्कुल ही स्वाभाविक नहीं है। अगर एक सुंदर फूल है और आप में वो सुंदरता रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो हस्बैंड स्वाभाविक तौर से नजरें चुरा के दूसरी नारी को अप्रिशिएट करेगा ही। आप अपने अंदर ऐसी सुंदरता लाइए, आप अपने अंदर ऐसी शक्ति लाइए, आप अपने अंदर ऐसी मैग्नेटिज्म लाइए, ऐसी अट्रैक्शन पावर लाइए कि वो बस आप में ही डिसॉल्व हो जाए, आपकी इनर ब्यूटी में, आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी में इतना रम जाए, इतना मैग्नेटाइज हो जाए कि उसको ध्यान ही नहीं रहे कि बाहर कुछ है भी। कोई मंत्र इसके है क्या, कोई फार्मूला इसका है, कोई तरीका, कोई कोर्स ऐसा है? ये जो स्पिरिचुअल शब्द आया है सेक्स में, क्या इसके सहारे इसको पाया जा सकता है, उस फूल को समझा जा सकता है? स्पिरिचुअलिटी इज द जर्नी ऑफ योर सोल टुवर्ड्स सेल्फ परफेक्शन। सो सोल लेवल, सोल जब मैनिफेस्ट करती है बॉडी में, एक हायर एजेंडा लेके मैनिफेस्ट करती है। और द आयरनी ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन इज पूरी लाइफ कट जाती है। और जब हम डेथ बेड पे होते हैं और ये बॉडी को ट्रांजिट करने का टाइम आता है, तब हमको अपनी सोल का एहसास होता है और जो वेरी पर्पस था सोल की मैनिफेस्टेशन का, वो हम अज्ञानता में भूल जाते हैं। तो अगर सोल लेवल तक पहुंचना है तो अज्ञानता का जो लेप हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है, हमको उसको धीमा धीमा अज्ञानता से इनर रियलाइजेशन, इनर नोइंगनेस पे स्वयं को डायरेक्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें अपने कर्मों की शुद्धिकरण की बहुत जरूरत है। कर्म यानी कि थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। अपने थॉट्स, वर्ड, डीड्स में प्योरिटी लाइए। कॉन्शियसली आप किसी का हार्म नहीं करें, क्योंकि हमारी इनर कॉन्शियंस हमें हमेशा गाइड कर रही होती है कि ये सही है, ये गलत है। पर हमारी बुद्धि पे, कॉन्शियस माइंड पे इतने अज्ञानता के, सेल्फिशनेस के, लस्ट के लेप लग जाते हैं कि हम अपनी इनर कॉन्शियंस की आवाज को सुन ही नहीं पाते हैं। सो ग्रेजुअली शुद्धिकरण करते करते करते, माइंड को केंद्रित करते हुए, माइंड को पॉजिटिवाइज करते हुए, आप अपनी सोल का, अपनी सेल्फ का रियलाइजेशन करना चालू कर लेते हैं। और जब आप सोल प्लेन में उतरते हैं, देन स्पिरिचुअल सेक्स की इमर्जेंस होती है।